बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, और इसके साथ मूली के पत्ते की बहुत ही चटपटी सी चटनी जो इसके साथ खाई जाती है, और इसको मूली कस करके गाजर और मिर्च के साथ। तो देखिए ये बहुत ही यम्मी डिश आज हम बनाने जा रहे हैं, दिल्ली साइड का बहुत ही फेमस डिश राम लड्डू। और जिस तरीके से ये सर्व किया जाता है उसी स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं आज राम लड्डू, जिसे देखें कि आपको ज़रूर से ज़रूर ये बनाने का मन करेगा। तो आप लोग इसको रेसिपी को देखिए और इस मौसम में इसको बना के ज़रूर खाइएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय राम नाम का बहुत ही चारों तरफ चर्चा हो रहा है, तो हमने सोचा हम कुछ ऐसा डिश बनाते हैं। तो देखिए हमने बनाया आज राम लड्डू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए हमने एक मेज़रमेंट के लिए एक कटोरी ले लिया है। कटोरी में हमने यहाँ एक कटोरी हमने ये चने का दाल लिया है। आप मेज़रमेंट के लिए कोई एक बर्तन ज़रूर ले लीजिए। अगर मेज़रमेंट करके सही से मेज़र करके डालेंगे तो आपका राम लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी सॉफ्ट बनेगा। फिर सेम उसी कटोरी से हमने एक कटोरी यहाँ पे मूंग की डाल ली है, उसको भी हमने पीली वाली उसको भी हमने डाल दिया। फिर देखिए आधा कटोरी हमने ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल लिया है। आप छिलके वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसको अलग से भिगा के फिर आप उसको अच्छे से धुल के फिर मिक्स करिए। लेकिन सारा इसमें बिना छिलके का था तो हमने ऐसे ही मिक्स कर दिया। फिर हाँ देखिए हम इसको भिगा देंगे, इसको 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से हम इसको भिगा देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से फूल जाए। फिर हम इसके ढक के रख देंगे। देखिए 4 से 5 घंटे हो गए हैं और दाल हमारा बहुत अच्छे से फूल गया है। हम आपको दिखाते हैं, इसको हल्का सा हमने प्रेस किया तो देखिए दाल अच्छे से कट जा रहा था, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से फूल गया है। फिर यहाँ हमने एक मिक्सी का जार लिया है, हम इसको आधा आधा करके पीसेंगे क्योंकि हमें इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हमें इसको थोड़ा सा दरदरा पीसना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके पीसेंगे। तो इसको देखिए हमने इसको थोड़ा रोक रोक के आराम से इसको हल्का दरदरा पीसा है। तो इसको 2 बार में हम पीस लेंगे। फिर हम एक पॉट में इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास मिक्सिंग बाउल था, उसमें हमने इसको निकाल लिया है। देखिए दाल हमने पानी कम डाल के पीसा है, इस वजह से ये हल्का दरदरा भी पीसा है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है। तो देखिए और इसका राम लड्डू आपका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बने। इसके लिए आपको इसको कम करीब 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से बहुत अच्छे से फेंटना होता है। आप इसको देखिए यहाँ पे हम हाथ से ही इसको फेंट रहे हैं और इसको करीब हमने 8 से 10 मिनट तक फेंटा था, क्योंकि देखिए अगर दाल का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो जाए, क्योंकि ये पहले तो येलो लगता है लेकिन जब आप इसको बहुत अच्छे से फेंटेंगे तो दाल का कलर बिल्कुल कलरलेस देखिए बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका दाल बहुत अच्छे से फेंट चुका है। फिर हम इसको देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से फेंटा था। तो अगर आप लोग भी इस रेसिपी को बनाना चाहें तो आप पहले इसको बहुत अच्छे से इसको फेंट लें ताकि ये ऊपर तक एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा। फिर हम यहाँ एक बाउल में पानी ले लेते हैं। फिर इसमें देखिए इसमें हम जब डालेंगे उसमें पकौड़ी की तरह इसमें डालेंगे तो ये ऊपर तैरने लगता है, इसका मतलब है कि हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छे से फिट गया है। फिर हमने देखिए यहाँ पर गाजर और मूली और मिर्च को हमने बीच में से ऐसे 4 टुकड़े में काट लिया है। फिर गाजर को हमने और मूली को अच्छे से घिस लिया है। फिर हम इसका बनाएंगे चटनी, इसकी चटनी बहुत ही यम्मी बनती है। तो चलिए बनाते हैं इसकी चटनी। तो यहाँ देखिए हमने हरा लहसुन काट लिया है सबसे, फिर इसके बाद देखिए हमने मूली लिया है, मूली के पत्ते हमने 4-5 पत्ते इसमें अच्छे से धुल के डाल लिए हैं। फिर 1 टुकड़ा अदरक का और यहाँ 3-4 मिर्च हमने डाला है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये चटनी चटपटा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर हमने देखिए 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक इसमें डाल दिया है। फिर देखिए यहाँ पर हमने धनिया को अच्छे से धुल के फिर इसको हमने थोड़ा सा ऐसा रफली काट लिया है। फिर इसमें सारी चीज़ें हम डाल के इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, इसमें हल्का सा पानी डाल के हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए ये हमारा बहुत चटपटा सा बिल्कुल मूली की पत्ती का चटनी बनके तैयार हो गया है, क्योंकि जो राम लड्डू होता है उसके साथ ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए हमारा यहाँ बैटर भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, अच्छे से फूल गया है।
फिर जो हमने ये चटनी बना के रखी थी मूली के पत्ते की, ये चटनी हम इसमें 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। और हमने यहाँ नमक नहीं डाला था तो हम इसमें नमक डाल देंगे। तो देखिए अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी डालने से क्या होता है, जो राम लड्डू का जो टेस्ट होता है ना वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए हमने इसको थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमने इसमें चटनी ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर देखिए हमने यहाँ तेल अच्छे से गर्म कर लिया है, पहले हम थोड़ा सा डाल के देखेंगे। और इसकी एक खासियत होती है, आप जैसे ही इसमें ये पकौड़ी डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से देखिए अपने आप ये टर्न भी होने लगता है और तली छोड़ के वो ऊपर लेयर पे तैरने लगता है। इसका मतलब आपका बैटर बहुत अच्छे से फूल गया है और बहुत अच्छे से सेट भी हो गया है। तो देखिए हम इसको बिल्कुल टच, हल्का हल्का टच करते ये तुरंत इसी तली पे तैरने लगता है। इसका मतलब बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गया है। और इस तरीके से आप अगर बनाएंगे ना तो आपके जो ये लड्डू हैं, इसको लड्डू कहिए पकौड़ी कहिए, ये बहुत अच्छे से तली पे तैरने लगते हैं। तो देखें यहाँ ये इसको हम थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से हो जाए। और हम इसको अच्छे से उलट पलट के अच्छे से थोड़ा सा रेड कर लेंगे। और फिर ऐसे ही हम और यहाँ पे इस तरीके से पकौड़ी छान लेते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो देखिए ये सारे जो पकौड़ी हैं या लड्डू हैं, देखिए ये ऊपर आके तली पे पूरा तैरने लगे। इसको बिल्कुल आपको टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप मैक्सिमम इसको आधे घंटे में सारा चीज़ बना भी सकते हैं। तो इस समय मार्केट में मूली बहुत अच्छे आ रहे हैं और ठंड का भी मौसम भी है, तो यम्मी यम्मी बना के खाइए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो देखिए यहाँ पर हमने अब इसको प्लेटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने आप प्लेट में लड्डू ले लिया है, फिर इसको हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत स्पंजी बना था, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना जालीदार ये बना है। तो हम इसके प्लेटिंग करेंगे मूली गाजर डाल के और फिर चटनी डाल के, क्योंकि ये मार्केट में इसी तरीके से मिलता है। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।